हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर बोल रहा हूँ नारवाल से। मुबशर साहब नारवाल से फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जो है ना वो जुटिया लेना चाह रहा हूँ, 25-30 और उनको तैयार करके सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक, इस बारे में मैंने पूछना था कि क्या ये जो है ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? बहुत प्रॉफिट ये बहुत प्रॉफिटेबल है, बशर्ते के जोटियाँ अच्छी मिल जाएं। और अगर आपको चारा वगैरह खरीदना तो नहीं पड़ रहा? खुर मीन अपनी है, काफी है। अच्छा, तो ये भी मैंने पूछा था कि कितने एकड़ पे काट की जाए और क्या काट किया जाए इनके लिए, 25-30 जोटियों के लिए। 25-20 जोटियों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं चारा जात की, चारे की। ठीक है, अभी खरीफ के चारे हैं, वो आप वो बो बोएं और आगे आ जाएंगे रबी करा विंटर के चारे, उन वो बोएं। तो आप प्रोग्राम मेरे देखते रहे, मैं डिफरेंट चारा जात पे आपके लिए स्पेशली ये एक प्रोग्राम कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। और फरमाए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं कमाल है। नहीं, अब आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा ना, ये कहें कि यार डॉक्टर साहब ने शायद तनख्वाह तो नहीं दिया। नहीं, मेरी जान मेरी के लिए मैं ये था कि ज्वार होती है कोई, सुने ना, इस तरह कर लें, ज्वार की बहुत सारी अकसाम हैं, आप मुख्तलिफ उसके नंबर हैं। अभी JS 2002 है ज्वार की, JS 263 है, एक सांदल बार है, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह मकई की पाक अफगोई है, पाक अफगोई NA 2002, ये पुरानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये भी है। मल्टीकट बाजरा है, मेजेंटा है, इसी तरह मीठी सदा बहार है और सुडान घास है, सुडान ग्रास। ठीक है ना, ये रोड ग्रास वगैरह जो है इसका क्या, ये भी ठीक है? वो अगर तो कलराठी ज़मीन है तो उसमें तो कर लेते हैं, लेकिन अभी आप देखें मुख्तलिफ ग्रासेस हैं, कलर ग्रास है, वो कलराठी के लिए अलहदा मैं बताऊंगा। आपकी ज़मीन अच्छी है? ज़मीन बेहतरीन है, तो बस आप बिस्मिल्लाह करें, ज्वार भी लगाएं, मकई भी लगाएं। और ये बड़ा लंबा स्पैन है, आज क्या तारीख है? आज 13 या 14 तारीख है। 14 हो गई है यार, मेरी जान मेरी जान, 14 है, 14 मई 2018। कितने दिन रह गए हैं रमजान में? 3-4 दिन। आप तो चार ही कहेंगे, 3 दिन रह गए हैं। ठीक है दिल चाहता है कि जरा रोज़ा लेट ही हो जाए, हैं तो ईद जल्दी आ जाए। अच्छा जी, तो ये है कि ज्वार लगा लें, ये अगस्त तक आपकी इसकी बुआई कर सकते हैं। जितने में आप जोटियाँ खरीदेंगे ना, इतने में साथ साथ ज़मीन को भी तैयार करा लें, अच्छी तरह उसमें हल चलाएं और उसमें अच्छा गली सड़ी गोबर की खाद डलवाएं, अच्छी तरह उसको हैं ज़मीन को तैयार कराएं। और ये भी आप लगा सकते हैं अगस्त तक, मकई पाक अफगोई बड़ा अच्छा चारा है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह मल्टी कट आपको बाजरा मिलेगा, ये सिंगल कट है, पहली बारी जो है ना, ये सिंगल कट, मल्टी कट बाजरा मिल जाएगा आपको, वो आप मार्च से लेकर नवंबर तक काश्त कर सकते हैं। यार बड़ा लंबा स्पैन आपको दे दिया, ठीक है, मैजेंटा है, इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं, सदा बहार, आप मीठी सदा बहार है, वो भी आप मार्च से वैसे काश्त की जाती है, और इसकी 4 से 5 कटाइयाँ लोग लेते रहते हैं नवंबर तक। तो आप भी बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का फजल से आप रोड ग्रास इस सीजन में लग जाएगा, मतलब आप मई के महीने में। आप पहले जोटियां तो लें, हैं वो भी इंशाल्लाह जो है ना, ये वो पता क्या है, वो कहते हैं
एक पंजाबी में एक कहावत कहानियां होती है ना, पूछते हैं वो कहानियां पांदे ने ना, पता ना वो डालते हैं पहेलियां, तो वो पूछते हैं, तो पंजाबी में वो हमें छोटे छोटे होते थे तो वो कहते थे माँ जमी नहीं तो पुत्र बनेरे थे, हैं वो क्या है, माँ जमी नहीं तो पुत्र बनेरे थे, तो हम सोचना शुरू कर देते थे कि माँ पैदा ही नहीं हुई और धुआं वो बनेरे ऊपर चढ़ गया, तो वो होता था आग क्या ना, वो पहले लोग माचिस से लकड़ियां जलाते थे या गोबर वो थोड़ा जलाते थे, तो वो पहले वो अभी आग जलती नहीं थी तो धुआं जो है वो अपर स्टोरी तक पहुंच जाता था, तो आप भी नहीं नहीं अच्छा है डिसाइड कर लें, अभी और भी मैं बड़ा कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चारों पे आपको एक नया प्रोग्राम कर दूंगा, लेकिन यह है कि आप अभी से ज़्यादा मकसद ज़मीन तैयार करें अच्छी तरह, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिए हैं चॉइसेस कि ये फलां आप लगा सकते हैं, तो आगे देखें इंशाल्लाह ताला और इससे बेहतर भी चॉइसेस दूंगा, अगर पानी मीठा पानी है और ज्यादा पानी है, मीठा पानी और ट्यूबवेल का पानी है और मीठा पानी है, तो बस आपके ट्यूबवेल पे मैं इंशाल्लाह ताला आगे ना आऊंगा, ठीक है, और चले ठीक है इंजॉय करें मेरा बेटा, ये वो कारोबार करें, याद रखें फायदे वाला, बहुत फायदे वाली चीज़ है ये, लेकिन इसको अगर इसमें दिलचस्पी लें और इंजॉय करें, अगर हमरे मजबूरी काम किया तो वो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है, इसमें अगर इंजॉय करना है जिस तरह मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो मैं आपके जोटियाँ आके देखूंगा भी और आपके जो चारा लगाया होगा ना उसको भी देखूंगा, ठीक है, और हो सकता है मैं कटाई भी आपके साथ करूं थोड़ी सी <बहुत मेरे बाते। laughs> और कुतराई भी कर दूंगा, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।